हे भगवान, मैं रोज तुम्हारे मंदिर के चक्कर मारता हूँ। जितने चक्कर मैं तुम्हारे मंदिर के मारता हूँ ना, उतने चक्कर धरती जो है सूरज के गोल नहीं मारती होगी। मैंने सुना है नौकरी जो है वो रिश्वत और सिफारिश से मिलती है, तो सवा 5 रुपए की रिश्वत मैं तुमको दे देता हूँ, सिफारिश तुम आगे कर देना है, मगर जरा जल्दी। वो क्या है कि माल थोड़ा शॉर्ट है और टाइम भी कम है ना, संभाल लेना गुरु। ए बाबू, वो जल्दी से एक चिट्ठी लिख दे उसकी नौकरी की, वो इधर ही आ रहा है बजरंग। ये लो लिख दिया। अरे बजरंग भैया, खुशखबरी लाया हूँ मैं। क्या खुशखबरी? अरे भैया, शहर से नौकरी की चिट्ठी आ गई है तेरी। नौकरी की चिट्ठी? हाँ जी दे। अरे भाई 11 रुपए दे दो मेरे को। अरे 11 नहीं मेरे भाई, मेरे पास तो 21 बचे हैं, वो 21 के 21 तू ले ले, और ये थाली भी रख ले मेरे भाई। हाँ। मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ। दे। हाँ। बजरंगी, नौकरी तो मिल गई है, शहर जाने की तैयारी कर। ले, इसे अच्छी तरह से रख ले और अच्छी तरह से जाना। हाँ, जाते चिट्ठी भी लिख देना। भाइयों, चाचियों, चाचियों, ताइयों, कहा सुना माफ, गलती माफ, भूल चूक माफ, हम जा रहे हैं। और हम जब बहुत बड़े अफसर बन जाएंगे ना, फिर आप लोगों को सबको वहां बुला लेंगे, तो आप आना। हा, कहा सुना माफ। ए भाई, स्टेशन चलोगे? हमका नहीं जाना है बाबू। अरे जाओगे नहीं तो कमाओगे क्या? जिंदगी सलामत रही तो बहुत कुछ कमा लूंगा बाबू, तुमको लेकर हम जान जोखों में नहीं डालब। अगर हमको नहीं ले जाओगे तभी भी जान जोखों में पड़ सकती है तुम्हारी। अच्छा हाँ। तो चलो बाबा, मगर 8 रुपया ले। 8 रुपया कंधे पे बिठा के ले जाओगे क्या? शेरी समझा हमको? अरे हमको अच्छी तरह से मालूम है, यहाँ से स्टेशन तक का रेट है 2 रुपया। बाबू, एक सवारी का 1 सवारी, तू तो पूर का पूर 4 सवारी है। ए बाबू, 8 रुपया ज्यादा नहीं। ठीक है, हम 3 रुपया दे देंगे। अरे नहीं बाबू, 3 रुपया बहुत। अच्छा है। हाँ। तो फिर हम एक ठो हाथ ऐसा मारेंगे ना, ऐसा लगेगा 4-4 आदमी ने एक साथ हाथ मारा। बोल, बैठे जा बाबा, बैठे जा। माचिस हटा, माचिस हटाए। कैसन मान गया मेरा रूप? I love you, baby. Idiot, watermelon, मेरा मतलब खिलिंगड, देख के नहीं चल सकता है? मेरी कमर मोच खा गई। मेरी टोपी। ऐसी जनाना कमर लेकर चलोगे तो मोच खाएगी, नहीं तो क्या झटका आएगा उसमें? क्या? मेरी कमर और जनाना कमर, you don't know I'm a graduate. English graduate from Patpat Khan. Want to graduate हो? Yes. शकल से जेब कतरे लग 10 साल है। इसे कैसे पता चल गया? जेब कतरा? अगर मैं जेब कतरा भी होता तो तुम्हारी जेब कभी नहीं काटता। क्यों? क्योंकि तुम शकल से बेगर भीख मंगे लगते हो। इसलिए। भीख मंगा बोलता है? अगर हमको ट्रेन पकड़नी नहीं होती तो हम तेरे को प्लेटफॉर्म पे भीख मंगाता, समझा? समझ गया। हाँ। ए भाई, स्टेशन इज नॉट दैट साइड, स्टेशन इज दिस साइड। स्टेशन? क्या क्या बोला? रेलवे स्टेशन मेरे भाई उधर नहीं, इधर है। हाँ, हमको मालूम था, हम तो खाली ऐसा ही पैर सीधा कर रहे थे। शुक्र, और कुछ सीधा नहीं कर रहे थे। अभी हमने एक पैर अंदर रखा है और तुम्हारी चीख निकली है। अगर हम पूरी तरह चढ़ जाएंगे तो तुम्हारा क्या क्या निकलेगा? सारा डीजल निकल जाएगा। भाई साहब अंदर चलिए, क्या हाथी की तरह दरवाजे में फिट हो गए हो। अरे भाई, वो इनकी सूंड खींचना, पुलिंग पुलिंग। देखो, जो हमारी सूंड खींचेगा हम सूंड से पकड़कर उसे मुंह में डाल देंगे। हमारी दुम मत खींचना, समझे? दुम है कि दुमा है? चल 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 मेरे हाथी। माफ करना बहन जी। ओ मेरे साथी, चल ले चल कटारा खींच के चले यार। माफ करना बहन जी, जरा माफ करना। माफ कर दो भाई साहब, जरा माफ करना। पूरा ही माफ कर दो। अरे यार, कमा।
रिटन रिटन एवरीवेयर, हर जगह लिखा है द इंडियन रेल सर्विस फॉर योर सुविधा, लेकिन यहाँ पर असुविधा के सिवाय कुछ नहीं है, नथिंग ओनली पसीना नो पंखा। एक बात बताओ, क्या तुम अंग्रेजी में हमारे भारतवर्ष के रेल की बुराइयां कर रहे हो? यस यानी कि हाँ, नो यानी कि बिल्कुल नहीं। समझते नहीं हो, बाहर के मुल्क वाले जो हैं हमेशा हमारी बुराइयां करते रहते हैं, हम हिंदुस्तानियों को तारीफ करनी चाहिए ना। चने वाले भाई जरा इधर भी आना। हाँ सर। हाँ मैडम। एक रुपए का चना बना के देना। लीजिए बाबू। हाँ एक रुपए का। जी हाँ एक रुपए। ओ चने वाला। ओ चने वाला। और तो वाली कमर रखने वाले भाई साहब, हमारे बटों में से जरा एक रुपया निकाल कर इसको दे दो। क्या तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुझे चोर बोल रहा है? अरे आई एम द ग्रेजुएट डिग्री होल्डर ऑफ द कंट्री ऑफ द नेशन ऑफ द मैनिपुलेशन। तुम लोगों को टकरे मारते हो और टकरे मारकर उनका बटवा उड़ा लेते हो। मेरा बटवा मुझे वापस दे दो, नहीं तो। नहीं तो क्या? नहीं तो। नहीं तो क्या? नहीं तो। नहीं तो क्या? नहीं तो क्या? नहीं तो क्या? नहीं तो कुछ नहीं। मैं हाँ मैं चक्कू मारूंगा। चक्कू बटुआ अपनी जेब में था, मुझे चोर बोल रहा था। ये ले अपना एक रुपया और जा यहाँ से। चल अंदर। बटुआ तेरी जेब में था, तुझको चोर बोल रहा था। वैसे भाई साहब तुम जा कर रहे हो? वैसे मैं जा रहा हूँ काम के लिए बंबई। वाह, एक ही जगह एक ही काम के लिए, लुकिंग फॉर सर्विस। तो हम लोग दोनों एक साथ चलते हैं। फैंटास्टिक। या सिगरेट पी नहीं पीता मैं।
सुन सुन, ये लड़की सादे कपड़ों में पुलिस वाली लगती है, इस बैग को इधर उधर कर दे। घंटे से पांच मिनट कर रहा है। अरे जल्दी कर। अरे अरे जल्दी कर। इतनी जोर से क्यों हो यार चिल्लाते? चल जा अंदर जा, अब जाने की जरूरत नहीं है। बॉम्बे की बारिश देखना। अरे ये मेरा बैग इतना भारी कैसे हो गया? तूने रात को नींद में बहुत से लोगों को ऐसे धक्के मारे होंगे, उनके बट्टे उड़ाकर तूने रख लिया होगा अंदर, तो भारी हो गया। मस्ती कर रहा हो, मस्ती कर रहा हो। चल 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 चल। पुली इधर आओ, ये सामान उठाओ और मुझे टैक्सी तक छोड़ दो। चलो हवलदार। एक्सक्यूज मी मिस्टर, क्या मैं आपका सामान चेक कर सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल, बड़े शौक से। सॉरी। क्यों इंस्पेक्टर, अब इजाजत है? जी हाँ। खाम खा परेशान करते हो। क्या हुआ मिस माया? मुझे पूरा यकीन था कि सोना इन्हीं के पास है, जाने क्या हुआ। आई एम सॉरी सर। चलो। लेकिन वो साला गया कहाँ? मैंने सारी ट्रेन छान मारी लेकिन उसका तो कहीं पता ही नहीं चला। अरे यार लेकिन तुझे उसकी शक्ल तो अच्छी तरह याद है ना? हाँ हाँ मुझे उसकी अरे हाँ अच्छी तरह याद है, लेकिन इसका क्या करे? अरे इसको फेंक यार तू। सलाम साहब। नमस्ते नमस्ते। कहिए। गुड नाइट गुड नाइट। यू वेयरिंग ए टाई, आई वेयरिंग ए टाई। वंट के कमरा व्हाट पैसा? ओ भाई एक कमरे का 450 रुपए किराया है। भाई साहब हम तो पूरे महीने के लिए जगह थोड़ी मांग रहे, हमको तो एक खोली एक रात के लिए चाहिए बस। भाई मैंने एक महीने का नहीं एक दिन का ही किराया बताया। एक दिन का 450 रुपया? ए, बहुत ज्यादा यार। देखे काम करते, 100 रुपए मांडोली कर लेते, आज में अच्छा है मान जाएगा। चश्मा जो इसका 100 रुपया। तो मेरा वक्त जाया मत करो। वक्त यानी कि टाइम। आई नो टाइम इज मनी, मनी इज टाइम, टाइम इज गॉड, गॉड इज टाइम। आई नो आई शैल ऑफर यू वेरी बिग मनी, 150 रुपीज। ओके लॉन्ग मनी लाइक योर टाइम। देखो भाई तुम लोग मेरा वक्त जाया मत करो। अबे एक काम करती, देखिए अगर आप हम लोगों को यहाँ 100-150 में खोली नहीं दे सकते तो 20-25 अंदर करके हम दोनों को यहाँ दो खटिया डाल दीजिए आंगन में, हम लोग यही सो जाएंगे। अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता, हमारा मालिक इस बात की इजाज़त नहीं देता। लेकिन हम आपके मालिक को थोड़े ना सुला रहे, हम तो आपस में सो रहे दोनों। ओ मालिक नॉट गिविंग परमिशन। आइडिया, you don't take permission, I giving 150 rupees, you keeping the money in your pocket and Malik not knowing. Waiter, इन दोनों का सामान उठाकर होटल से बाहर फेंक दो। No. Hey, hey, हाथ मत लगाना, हमारे बजरंग बली को हाथ मत लगाना। हाँ हम बहुत गलत वाले लोग हैं। हाँ हम ठाकुर हैं। हाँ ये पकड़ो और गिन लो, इसमें एडवांस वेडवांस सब हो जाएगा। हाँ वेटर साहब का सामान कमरा नंबर 302 में ले जाओ। बोला ना साहब, बोला ना।
यस साहब। ले जा ले जा। लीजिए साहब। सर अरे समझ गई, दान मांगेंगे थोड़ा छुट्टा देंगे। छुट्टा? हम लोग समझे नहीं थे, वो दान मांग नहीं रहा था, शहर का आदमी है ना, वो दान दे रहा था। हाँ हाँ हाँ, तू रख ले। मैं रख लेता हूँ। ओ मेरी पड़ी पड़ी है मालूम था। चल चल मैं रख लेता हूँ। हाँ पानी पिएगा? नहीं अपन को प्यास नहीं है। अरे यार इसमें तो पानी नहीं है, एक काम करें थोड़ा पानी लाएं, बहुत थका हुआ हूँ। कहाँ से पानी? मटका नहीं है? मटका मटका। हाँ अंदर टैप होइंग। टैप? हाँ नल का। वो ऐसा तो बहुत नल का देखा पुना, इधर गया नल का। नल का। ए, ए, बिन बादल बरसात नहीं नहीं नहीं। नल का। इसको कहते हैं शहर का कमाल, कमरे में छोटा सा कुआं बना दिया। मानी है पानी बाप, पानी पी। सारा शहर छान मारा लेकिन उनका कहीं पता ही नहीं चला, जाने उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया। और वहां हमें चीख नहीं छोड़ेगा। और ये सामान क्या पड़ा है टेबल पर? मुझे खुद नहीं पता, खैर अभी पता लगाता हूँ। कालिया! अरे ओ कालिया, ये क्या हुआ तुम्हें? ये क्या बताएगा, तुम्हारा कालिया तो बेचारा कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। लेकिन ये सब क्या है? मौत का पैगाम। हाँ? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस और पट्टियां, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का इंतजाम। लेकिन ये सब हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि लल्ला थोड़ी देर में तुम्हारी हड्डियां टूटने वाली हैं, और मैं दर्द के साथ साथ दवा भी देता हूँ। कौन हो तुम? दोस्तों के लिए रहमत का फरिश्ता और दुश्मनों के लिए मुसीबत की आंधी। तो यहाँ क्या करने आए हो? पानी पी के बताता हूँ। क्या है लल्ला, एक छोटा सा सवाल पूछना है। वो सोने के बिस्कुटों का बैग कहाँ? जरा सोच समझ कर जवाब देना। क्या? अगर तुमने ठीक से जवाब नहीं दिया तो तुम्हारे दांत टूट कर बाहर निकल आएंगे और उनकी फिटिंग मैं दोबारा कर नहीं पाऊंगा। देखते हैं कौन किसके दांत तोड़ता है। हाँ?
गाड़ी में पुलिस थी। हमने उस बैग को बचाने के लिए उसे किसी दूसरे बैग से बदल दिया। अच्छा, इसमें हमारी कोई गलती नहीं चीफ, हमारी सच कोई गलती नहीं। इसीलिए तो रिवॉल्वर से ये गोली नहीं निकली। ओ थैंक यू। रूपाली ने मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन तुम्हारी ये हालत किसने की? एक अनजान आदमी बैग का पता पूछता पूछता हमारे घर आया था। पता नहीं उसकी हमसे क्या दुश्मनी है। आदमी पूरी दुनिया से दुश्मनी कर ले वो उसे सस्ती पड़ेगी, लेकिन अकेले सेट्टी की दुश्मनी उसे पूरी दुनिया से महंगी पड़ेगी, है कि नहीं? लेकिन हमने भी उसका मुकाबला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी चीफ। और मार खाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, है कि नहीं? मैं हार को गाली मानता हूँ और गाली खाने की मुझे आदत नहीं है। आइंदा इस बात का ख्याल रखे। जाओ जाकर तलाश करो कि वो बैग कहाँ है। जाओ। एक मिनट। जोर से इसकी लेगा तो एक ग्लास पूरा अंदर चला जाएगा ना। ऐसा मेरे बाप, ये वो सोने के बिस्किट नहीं है। हाँ, ये गोल्ड है, गोल्ड जिससे जेवर बनते हैं। हाँ, लेकिन ये मेरे बैग में आए कहाँ से? मुझे ऐसा लगता है कि तेरी माँ ने सोचा होगा कि मेरा बेटा जा रहा है परदेश, वहाँ कुछ तंगी वंगी नहीं होना उसको, इसलिए एक्स्ट्रा डाल दिया सोना अंदर। अरे अक्ल के दुश्मन। हाँ, अगर मेरी माँ के पास इतना सोना होता तो अपने बेटे को शहर में काम करने के लिए क्यों भेजती? हाँ, ये मैंने नहीं सोचा था माँ क्यों भेज। समझ में आ गई बात मेरी समझ में आ गई। मुझे ऐसा लगता है ये जो है ना अटैची केस, वो स्मगलर लोग ने हमारे साथ बदल दिया है। और हाँ, हम लोग चलते हैं, इसको पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं हम लोग। क्यों? भाईजान, अगर हम ये सारा सोना अपने पास रख लें तो मैं माँ के लिए गांव के अंदर एक बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा। बहुत अच्छी बात की है तूने, मगर छोटी बात की है तूने। याद रखना, हम लोग जिंदगी में अगर कुछ हासिल करेंगे ना, अपनी मेहनत की कमाई से, हराम की नहीं। माफ करना भाई जान, मन है ना, इतनी माया देकर भटक गया था। ठीक है, चलो पुलिस स्टेशन। हाँ, मगर पतलून पहन के। हाँ, ऐसे कैसे? ये रख दो। ए, ये पुलिस चौकी है कि नौटंकी का दफ्तर? अरे यहाँ तो औरत भी पुलिस वाले का यूनिफॉर्म पहनकर बैठी है। ये औरत पुलिस है, लेडी पुलिस। ओ, महिला पुलिस। नमस्कार महिला पुलिस बहन जी, हमको जरा दरोगा जी से मिलना है। वो सामने बैठे हैं दरोगा जी। दरोगा जी सामने है। लेडी पुलिस। दरोगा जी सामने है। ये लेडी पुलिस ऑफिसर है। आओ। नमस्कार दरोगा बाबू। मॉर्निंग गुड, मॉर्निंग गुड। इसका मतलब ही नमस्कार होता है। कहो प्रॉब्लम क्या है? हम आपके लिए अटैची ब्रिंग ब्राड लाए हैं। माय गॉड, गोल्ड, सोना। ये सोने का बैग तुमको कहाँ मिला? सोने की नहीं, सोने से भरी हुई अटैची। वो क्या है कि किसी ने ये अटैची जो है हमारी गाड़ी के अंदर हमारी अटैची के साथ बदल डाली। चेंजिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट। खाली एक्सपोर्ट गया था, आया नहीं। इसे अंग्रेजी आती है। इतना सोना देखकर तुम दोनों की नियत खराब नहीं? वो मेरी नियत थोड़ी हम लोगों की नियत किसी का पैसा देकर कभी खराब नहीं होती, और ना ही किसी के माँ बहन बीवी को देखकर हमारी नियत खराब होती है। इसलिए तो हमने आते ही आपको महिला पुलिस ऑफिसर बहन जी बोला, माँ सुखा जी नहीं बोला। ये सबको बहन जी बोलता है ना, इसलिए आज तक हम दोनों की शादी नहीं हुई। वैसे आर यू मैरिड? शट अप। देखो वहाँ हवलदार सामने बैठा है, अपना नाम और पता लिखवा दो। तुमने सरकार की मदद की है, तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। हाउ मच इनाम मिलेंगे? इतने नोट की गिनते गिनते तुम्हारे हाथ थक जाएंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हो गया ना। हम लोग आए तो थे यहाँ नौकरी करने के लिए, लेकिन अब हम लोग ऐसे ही माल पकड़वाते जाएंगे और इनाम कमाएंगे, सरकार की मदद करेंगे। यानी कि हम दोनों की नौकरी, जॉब पक्का।
भाई सोने भी नहीं देते रात को। खोलता हूँ। कौन? पुलिस। दरवाजा जल्दी खोलो। क्या देख रहे हैं? किसे ढूंढ रहे हैं? अभी अभी एक गुंडा चोर उचक्का इधर आया है। इंस्पेक्टर साहब, हम लोगों की दौलत गरीबी होती है और गरीबी को चुराने कोई चोर नहीं आया करते। इस कमरे का दरवाजा खोलिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं। इस कमरे का दरवाजा मैं नहीं खोलने दूंगा। क्यों? इस कमरे में मेरी बेटी और दामाद सो रहे हैं। सॉरी कहने से वो शर्मिंदगी दूर नहीं हो जाएगी इंस्पेक्टर, तो आज हमें अपनी बेटी और दामाद के सामने उठानी पड़ेगी। हम जो भी करते हैं आप लोगों की हिफाजत के लिए करते हैं। आपने हमारी हिफाजत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक मेहरबानी और कीजिए, यहां से चले जाइए इंस्पेक्टर साहब। चले जाइए। वीरू बेटे बाहर आ जाओ। बेटे पुलिस वाले चले गए। एक आदमी ने हमारा रास्ता रोका और फिर पुलिस आ गई, लेकिन उसके बाद सोना कहां चला गया हमें कुछ नहीं मालूम। लेकिन हमें मालूम है। आपको मालूम है? हाँ, हमारे इलाके में कौन कितनी सांस लेता है, हर सांस का हिसाब हमारे पास है। शेर का शिकार जब कुत्ता उठाकर ले जाने का ख्याल करता है तो वो कुत्ता पागल कहलाता है, और फिर उस कुत्ते को गोली मार दी जाती है क्या नहीं? ये क्या किया चीफ? आप तो जानते थे कि ये हमारा अपना वफादार आदमी है। शायद इसे हमारा नमक कड़वा लगने लगा था, इसलिए उसने हमसे बेईमानी की। वो सोना इसके घर में बिस्तर के नीचे पड़ा है, ले आओ उसे और इस लाश को। ओके। अरे क्या होता है, ये सारे लफंडरे इकट्ठा होकर कहाँ जा रहे हैं? हाँ, लिख दीजिए। अच्छा ची, चावल में कंकड़ दिखाई देना शुरू हो गए। हाँ जब जब जियो मेरे बेटा, तुमने एक बुढ़िया की नंधी आंखों को रोशनी दे दी। अरे चाची, ये सब तेरे इस चश्मे का कमाल है। अरे वाह वीर, तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, वक्त की
वीरू चाचा, आज नजरें बचाकर कहाँ जा रहे हो? क्या बात है? नहीं नहीं बेटे, मैं नजरें बचा के जा रहा, मैं तो क्या रात को बहुत देर काम किया था ना, तब जाके सोना चाहता। क्या 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 आज मैं तुम लोगों के लिए चॉकलेट नहीं लेके आया? झूठ मत बोलिए, जेब तो काफी भरी लगती है। बेटा ये चाकू, ये भी तुम्हारे लिए ही है। वो क्या है कि चॉकलेट के ना छोटे बड़े टुकड़े हो जाते थे ना, अब इनको मैं बराबर के टुकड़े करूंगा, जिससे किसी बच्चे को को, को, को ये ना लगे कि मैं टुकड़ा छोटा था या बड़ा था या बड़ा था या। अरे ओ मनसुखा, हाँ काय को रो रहा है? अबे काय को रो रहा है लल्ला? अबे क्या होगा? मुझे भूख लगी है। अबे भूख लगी है तो अम्मा से जाके कह कि वो तुझे दूध पिलाए। माँ पापा को दूध पिलाती है। मम्मा पापा को दूध पिलाती? अबे तेरे हिस्से का दूध होगा घर में? मेरे हिस्से का दूध बिल्ली पी गई। अबे बिल्ली ने पी लिया तो पी लेने दे, चुप हो जा बेटा। अबे अगर तू रोएगा तो और भूख लगेगी। मैं तो दूध पिला नहीं सकता तुझे। अरे तू नहीं पिला सकता तो मैं पिलाती। क्या 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 क्या, क्या? अरे निम्मो, तू कुंवारी लड़की है, कोई शर्म आया है तुझको? तुझे शर्म आती है तो अपनी आंखें बंद कर ले। आ मुन्ना। तुझे भी भूख लगी है क्या? क्या क्या क्या, तू भी शर्म कर। जा। एक बात कहूँ माया, थोड़ी देर का साथ हमें एक दूसरे के कितनी नजदीक लिया है। अब तो लगता है कि जिंदगी में तुमसे कभी अलग नहीं रह पाऊंगा। क्या हुआ? मेरे होठों की लाली तुम्हारे चेहरे पे लग गई है, लाओ पोंछ दो। रहने दो, हम तो चाहते हैं कि सारी दुनिया देख ले कि मुझ पर तुम्हारे प्यार की मोहर लग गई है। ये मोहर एक बार फिर लगा दो। नहीं, ये सब शादी के बाद। शादी के बाद तो और बड़े बड़े प्रोग्राम हैं। कौन से प्रोग्राम? प्रोग्राम है, ये छोटे मोटे काम तो शादी के पहले कर लेने चाहिए, वरना बैलेंस इतना रह जाएगा कि तुम चुकाते चुकाते थक जाओगे। तुम तो दीवाने हो गए हो। क्यों, तुम दीवानी नहीं हो गई हो? अरे श्रीमान, ये सवारी कहाँ जा रही है? आपको कितनी दफा बोला है बाहर जाते वक्त किसी को पीछे से आवाज नहीं देनी चाहिए, कोई काम नहीं होता है। अरे भाई, किराया चढ़ जाए तो रोकना ही पड़ता है। Only one day ऊपर होइंग एंड यू क्रिएटिंग हंगामा, वेरी सून बहुत पैसा मिलेंग, हम खरीदेंगे होटल। इतना रुपया कहाँ से मिलेगा? पुलिस स्टेशन से मिलेगा। अच्छा, तो पुलिस स्टेशन तुम्हें रुपया देगा और उस रुपए से तुम ये होटल खरीदोगे? हाँ। अरे भाई, होटल चलाना भी तो आना चाहिए। क्या देखता रहे? सब धूप बनाता है। धूप? धूप बनाता है? आपसे अच्छा सूप बनाता है, आपका नाक काट देगा। मेरा नाक काट देगा? अरे ये मोटा एक पतला, ये दोनों भी मेरा नाक नहीं काट सकता रे। हम ओल्ड कुक हैं। देखो, हम उसका सूप बदल देगा, अपना सूप उधर रखेगा, उसका सूप इधर रखेगा, समझा? यार ऐसा सूप तो पहले कभी नहीं दिया। चिकन सूप की जगह इसका नाम चिकना सूप होता तो अच्छा होता, सारे पेट को हिला के रख दिया। ये सूप पीकर तो ऐसा लग रहा है जैसे पेट में अमिताभ बच्चन की फिल्म की फाइट शुरू हो गई। वेटर, मैनेजर को बुलाओ। अरे भाई क्या हुआ? ये सूप पिलाकर तुम लोगों को बीमार करना चाहते हो, अस्पताल पहुंचाना चाहते हो? ऐसा सूप में क्या है? तुम पीकर देखो तो पता चलेगा। अरे भाई पियो पियो, मेरी पियो पियो, तुम्हारे होटल पर केस करूंगा मैं। मैं तुम लोगों को हुक्म देता हूँ। हे भगवान, मुझे आज वीरू के दर्शन जरूर करवा देना। देख, याद रखना, हाँ भूला नहीं। हाय हाय हाय, सदके जाऊं।
हिरनी जैसी चाल, गोरे गोरे गाल, ट्राई करो बीरबल, शायद गल जाए साल। बीरबल यू आर ऑन ड्यूटी। लेकिन क्या करूं, जब देखता हूं ड्यूटी तो भूल जाता हूं ड्यूटी। हाय हाय, अरे ओ पान वाली, अरे मेरी बात तो सुन। हाय 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 हाय, मेरी जान, लगा दे पान, खा के तेरा पान, हो जाऊंगा तुम में कुर्बान। अबे ओ पुलिस वाले, जनता के रखवाले, अगर खाएगा मेरा पान तो पड़ जाएंगे मुंह में ठाले। ठाले, ठहर जा, ठहर जा। रुक जा, तुम्हें मेरी चीटी नहीं सुनाई देती। मुझे तो हर मोड़ पे लोग चीटियां मारते हैं, अगर मैं हर सीटी पर रुकने लगी तो हो चुका मेरा धंधा। तुम जानती नहीं, मेरी सीटी सुनकर बड़े बड़े मिनिस्टरों की गाड़ियां खड़ी हो जाती है। अबे ओ मामा, मैं कोई मिनिस्टर नहीं जो तेरी सीटी पर रुक जाऊं। चल हटा अपना डंडा और करने दे मुझे अपना धंधा। क्या कहा, मैं तुम्हारा नंबर लूंगा, मैं तुम्हारा चालान करूंगा, कहाँ है तुम्हारा लाइसेंस? यू नॉनसेंस। पुलिस इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, गुड मॉर्निंग सर। थाली दे गई चकमा, चलो कुछ दे ही गई, थोड़ी देर के लिए बैन सुख। अरे धक्की की छोड़ी, मुझ पर हाथ उठा दिया। छोड़ मेरे हाथ कभी ना, अगर जीरो आता तो तेरी बॉडी बॉडी कर देगा। छोड़। नमस्ते जी, इस नाचिस को वीरू कहते हैं। क्या है कि अगर आप लोग शरीफ होते तो आपको नमस्ते कहने के बाद चाय पिलाता, मगर आप लोग तो लड़कियों को छेड़ने वाले बदमाश हैं, इसलिए आपकी पहले धुलाई करूंगा और उसके बाद छटाई। अगर मेरे मोहल्ले की किसी लड़की की तरफ आपने आंख उठाकर भी देखा तो आंखें निकाल दूंगा, लेकिन इसके पहले हम धुलाई का प्रोग्राम कर लेते हैं, बाद में छटाई का। नमस्ते,
बिल्कुल हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, मिस्टर बजरंग और मिस्टर लल्लू का रूम नंबर क्या है? ये बात है कि उन्होंने हमारे पैसे नहीं दिए, इसलिए हमने उन्हें यहाँ से निकाल दिया। ओह नो। अब क्या करें? क्यों, कुछ लफड़ा किया उन्होंने? नहीं, दरअसल उन्हें ये चेक देना था। जी आप मुझे दे दीजिए, मैं उन तक पहुँचा दूंगा। नो थैंक यू, हम खुद उन तक पहुँचा देंगे। जी बजरंग, कब तक धक्के खाते रहेंगे? ये नौकरी मिलेगी भी कि नहीं? तू बिल्कुल फिक्र मत कर। देख, बजरंग बली जी की कृपा रहेगी ना तो किसी न किसी दिन अपना भी कोई मेहरबान मिल ही जाएगा। करम ने आज दांत निकालती है तो? सेठी जैसे खतरनाक आदमी से टकराने वाले मेरे वीरू के हाथ पांव इतने कमजोर। अच्छा चल बस कर, आइंदा अगर ऐसा मजाक किया तो ये साबुत की सजा रहा ना उसके टुकड़े कर दूंगा, समझी? अरे जालिम, इस जिस्म के एक एक हिस्से पर तेरा अधिकार है, चाहे तोड़ दे चाहे मरोड़ दे, मैं उफ नहीं करूंगी। अच्छा चल चल हट जा। हटो क्यों, अगर हिम्मत है तो मुकाबला कर, बहुत मज बनता है, देखो तेरी मजानगी। नहीं मानेगी। मैं तो कब से मानी हूँ। वो तूने कहावत सुनी, आबेल मुझे मार? सुनी है। सुनी है ना? उसका मतलब समझती है? समझती हूँ। तो फिर जा। तू कहाँ का बैल है? अरे मत कर, मान जा मान जा मान के नीचे। हाँ अभी सोए थे वो जगह थी। भूल हो गई, मुझे माफ कर दो और चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। सच वीरू, मेरा मतलब ये नहीं था जो तुमने सोचा है, मैंने तुम्हारे इस रुख की कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ, लेकिन इस तरीके से नहीं, प्यार से। यकीन करो, तुमसे शादी करके।
हाय माया। जिस तरह तुम शेट्टी के केस में जरूरत से ज्यादा खतरे उठा रही हो, उससे लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में कोई गहरा सदमा पहुंचा है। मुझे भी अपने साथ ले लो माया। नहीं, मुझे जिंदगी के इस सफर में अकेले ही चलना है, क्योंकि इसमें आगे मौत के सिवाय और कुछ भी नहीं है। सफर कोई भी हो, तन्हा नहीं कटता। जिसकी जिंदगी तन्हा हो गई हो, उसके रास्ते भी तन्हा होते हैं। माया, आखिर बात क्या है? आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ऐसी क्या बात है माया जो मुझे भी नहीं बता सकती? आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। कुलदीप मेरा बड़ा भाई था और वीरू उसका दोस्त। माँ, ओ माँ। अरे बेटे, कहाँ था इतने दिन? मैं यही था। कल रात को यहाँ बैठ के तो खाना खाया। अरे बेटी, तुम एक दिन नहीं आते तो ऐसा लगता है जैसे बरसों बीत गए हो। ओ मामा, सुबह सुबह मैं काम पर निकल गया था ना, बहुत थक अच्छा गया हूँ। अच्छा तो बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेके आया। मामा कुछ खाने को भी ले। अच्छा लेके आया तो कुलदीप भी आता ही होगा। हाय वीरू, कहाँ थे यार? अरे मैं यही था, लेकिन तू कुछ कर पाया कि नहीं? देख वीरू, सच्चाई और ईमानदारी का काम करने के लिए तो मैं अपनी जान पे भी खेल जाऊंगा। कुलदीप, जो हमने रास्ता चुना है उसमें जीत हमेशा सच्चाई की होती है। याद है तुझे बचपन में जब हम नौचंदी के मेले में गए थे और हमने अपनी कलाइयों पर लिखवाया था सत्यमेव जयते। देख वीरू, मैं उन लोगों के फोटोग्राफ्स अपनी जान पर खेल के लाया हूँ। अरे अपनी जिंदगी में खतरे ना हो तो अपनी रगों में खून दौड़ना ही बंद हो जाएगा। अब तुम एक काम कर डालो, इन फोटोग्राफ के बेस पर एक आर्टिकल लिख डालो और जब कल सुबह के पेपर में इन फोटोग्राफ के साथ तुम्हारा आर्टिकल छपेगा तो शेट्टी बेनकाब हो जाएगा। वाह वाह, तुम दोनों की भी क्या जोड़ी है। लगता है शादी के बाद अपनी बीवियों को यही छोड़कर तुम दोनों इकट्ठे हनीमून पर जाओगे। आते ही भाषण शुरू कर दिया है? जब जो समझदार लोग बातचीत कर रहे हो तो बीवी दबा के जाओ, चाय लेके आओ। तुमने क्या मुझे बेकार समझा है? जब भी सामने आती हूँ चलो चाय लेके आओ, चाय का ऑर्डर दे देते हो। देख, तू थोड़े दिन के हमारे ऑर्डर मान ले, उसके बाद हम तेरी शादी किसी ऐसे बड़े के साथ कर देंगे जिससे तू तुझसे बर्फ मांगेगा और पानी ग्लास मांगेगा और अरे अरे मासी क्यों है सुनते नहीं? अरे 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 कहते थे अरे अरे तुम लोग जब भी मिलते हो झगड़े के सिवा कुछ आता है तुम दोनों को? तू भी इसकी तरफदारी कर रही है। ये कौन से झगड़े के अलावा बात करती है? मैं जो सगा भाई नहीं हूँ ना, ये सगा भाई तू आगे बढ़ना, इसको कुछ नहीं करती है। मैं होता सगा भाई होता तो मेरी मेरे साथ थोड़ा कुछ करती। नहीं वीरू, ऐसा मत कहो। तुम तो मेरे लिए कुलदीप से भी बढ़कर हो, और फिर हमेशा राखी भी तो मैं तुम्हारी कलाई पर पहले बांधती हूँ। नको सीरियस नको, मैं तो मजाक कर रहा था। इसे बाय द वे, मेरा भी आप लोगों के अलावा और कौन है? म्याऊं। तुझे बहुत भूख लगी है ना, एक घंटे से चाय पड़ी टेबल पे। चल चल बे, चल बे, चल हाँ भैया आओ। अरे चल बेटी के खिलाफ तुम्हारे पास जो भी सबूत है मेरे हवाले कर दो। वो फोटोग्राफ अब तुम्हें नहीं मिल सकते क्योंकि वो पेपर में छप चुके हैं और कल सुबह अपनी आंखों से तुम पेपर में देख लेना। लेकिन कल कल सुबह वो पेपर पब्लिक तक पहुंचेंगे तब ना। ये जंग एक दिन तुम्हें ले डूबेगी। हेलो, हाँ ये वो मेरे सामने खड़ा है तुम्हारे लिए फोन। हेलो वीरू, ये जंग तुम लड़ने से पहले ही हार चुके हो। ये कभी नहीं हो सकता। और आगे की लड़ाई जो तुम्हें लड़नी है उसमें तुम अकेले पड़ गए हो। हाँ बिल्कुल अकेले, क्योंकि तुम्हारा दोस्त कुलदीप, हाँ कुलदीप,
समझ गए ना? तुम्हारा साथ छोड़ चुका है। क्या बक रहे हो? बक नहीं रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ, अर्ज। यकीन ना हो तो उसे जाकर पूछो। ओ, लेकिन अफसोस, वो आपकी बात का जवाब नहीं देगा, क्योंकि मुर्दे कभी बोला नहीं करते। हराम साजे। अपने मकसद में जरूर कामयाब होगी और इस मकसद को हासिल करने में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? जिसका सोने का बैग तुम्हारे टेबल पर पड़ा हुआ है। एक बात जरा ध्यान से सुन लेना जगत, हमसे दुश्मनी मोल लेना और जेब में सांप डालकर घूमना एक ही बराबर है। और वो सोने के बिस्कुट जरा ध्यान से गिन लेना, क्योंकि जितने वो बिस्कुट कम होंगे, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी के उतने ही साल कम हो जाएंगे। यू बास्टर्ड, सन ऑफ अ बिच। माया, शेट्टी के आदमी तुम पर हमला कर सकते हैं, संभल कर घर जाना। वो मेरे भाई का कातिल है, शेट्टी को सजा दिलाना ही बस मेरी बाकी जिंदगी का असली मकसद है। माँ, माया, कितनी देर कर दी है तुमने, जानती हो क्या वक्त हो गया है? जब से भैया गए हैं मुझे वक्त का एहसास ही नहीं रहा। मेरे लिए तो वक्त ठहर गया है माँ। तेरा भैया मेरा बेटा भी तो था, उसे तो मैं गंवा चुकी, लेकिन तुझे गंवा के मैं कैसे जीऊंगी बेटी? माँ तू घबरा मत, जब तक मैं भैया के कातिलों से बदला नहीं ले लेती मुझे कुछ नहीं होगा। भगवान करे तुझे कुछ ना हो, लेकिन मैं माँ हूँ ना, मेरा दिल नहीं मानता। ये बुढ़िया, आगे से हम तुझे इस दिल के हाथों मजबूर नहीं होने देंगे। आज के बाद फिर कभी माया का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और वो इस घर में कभी नजर नहीं आएगी। सरकारी हर चीज पर सरकार की मोहर लगी होती है, जरा देखे तो इस इंस्पेक्टर माया पर भी सरकार ने कोई मोहर तो नहीं लगाई। जगत, हेलो,
रानी को। वीरू बेटे। माँ, अरे तेरे तो चोट लग गई। माँ कुछ नहीं, चला आना। भैया अपनी बहन को छोड़कर कहाँ चले गए थे? पगली, मैं कहाँ जाता, मैं तो नहीं था बिल्कुल तुम लोगों के पास। तो फिर इतने दिन मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? तुम क्या जानो अपने दोनों भाइयों को खोने के बाद एक बहन पर क्या बीतती है। मैं जानता हूं, मैं अगर कुछ मुंह से तुम्हारे सामने आता बहन, मैं भी तो अपना भाई खो चुका हूं। जब तक मैं अपने भाई के खून का बदला नहीं ले लूंगा, तब तक मैं खुद अपने आप से भी नजर मिलाने लायक नहीं। थैंक यू वीरू। जगत, ये मेरे बड़े भाई हैं। इनसे मुलाकात हुई है, दूसरों का माल छीनने में ये बड़े माहिर हैं। नहीं इंस्पेक्टर बाबू, दूसरों का नहीं, सिर्फ सेठी का। सेठी से मुझे अपना हिसाब चुकाना है इंस्पेक्टर। जब तक मैं सेठी को बर्बाद नहीं कर दूंगा, चैन की सांस नहीं ले सकूंगा। बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। ए भाई साहब, आपका घर कहाँ है? मेरा मतलब है कि अगर आपका घर नजदीक में है, ठंड बहुत लग रही है, एक रात के लिए कंबल मिलेगा प्लीज? परदेसी हो क्या? जी जी, हम लोग परदेसी हैं। यानी कि मैं तुम्हें अपना कंबल देकर कंबल को परदेसी कर दूं? वाह साहब, यानी कि आपको हम पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। ये लो साहब, ये हमारी अंगूठी है, ये हनुमान जी की मन्नत की सोने की असली है, ये आप रखो। हम जब आपको आपका कमल वापस दे तो आप हमको अंगूठी वापस दे देना। हाँ भाई साहब। बड़े भोले हो, अगर ये अंगूठी लेकर मैं परदेसी हो गया होता तो नहीं, एकदम तुम लोगों ने मुझ पर विश्वास कैसे कर लिया? हमारे बुजुर्गों ने हमसे कहा है कि जब इंसान का विश्वास इंसान से उठ जाएगा तो ये दुनिया जीने के काबिल नहीं रहेगी। तो हमारे बुजुर्गों ने हमसे कहा है कि अगर इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो इंसान हैवान कहलाएगा, जानवर कहलाएगा। मेरे साथ चलो, तुम्हें कंबल भी मिलेगा, पलंग भी मिलेगा और ऊपर से एक छत भी मिलेगी। हे, 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 क्या है यार? ये एक रात में लड़के से लड़की कैसे बन गया? अरे यार, आजकल सेक्स बहुत जल्दी बदल जाता है, तू अपना ख्याल रखना। जब शुक्रिया। उठ गए? अरे नीमो, तू इतनी सुबह सुबह कैसे आ गई है? ये मेरे नए दोस्त हैं बजरंग और ये लक्ष्मण। लक्ष्मण, लक्ष्मण कुछ दिनों के लिए यहीं रहेंगे। ये नीमो है जो हमारे पड़ोस में रहते हैं। नमस्ते। नमस्ते। पड़ोस में रहती है कि इनके दिल में रहती है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये तुझे चार महीने की तकलीफ की रही? इस घर में आकर अगर तकलीफ उठानी पड़े ना तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। मगर एक बात बताए, आपके हाथ की बनी चाय बहुत अच्छी है। आइंदा आप इनको चाय कप में नहीं, गिलास या बाल्टी में देना। पहली मुलाकात में इतना बेतकल्लुफ हो गया इडियट। अरे ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये हमारी होने वाली भाभी है। है ना वीरू भैया? शायद होगी जाए। क्या है? अच्छा अच्छा ठीक है, जल्दी से नहा लो, चल के देर हो रही है। चल तू पहले नहा ले, चाय खत्म कर, पहले नहाऊंगा तो कुआं खाली हो जाएगा। पानी ठंडा तो नहीं है? अरे पानी यहाँ का बहुत गर्म है। ये ले, पानी गीला तो नहीं है? गीला नहीं, पानी गीला होता है इडियट। अरे जल्दी जल्दी पानी अनीता, अच्छा जल्दी पानी भर, मैं तो जा रही हूँ। मुझे तो नहीं मालूम बाबा, तुम्हें जो सोचना सोचो। नहीं मुझे नहीं मालूम।
ऐसी क्या दिख रहे हैं आप? क्या कि मुझे पानी निकालना नहीं आता ना, आप पानी निकाल दीजिए। आपने मुझे पानी निकालने में एक्सपर्ट समझ रखा है? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि हम दोनों पड़ोसी हैं ना, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ना। क्यों नहीं? और कुछ जो मैं कहूंगा आप करेंगे ना? कहकर तो देखिए। तो फिर अपने प्यारे प्यारे हाथों से मुझे नहलाइए ना। कपड़े उतारो। अभी उतारता हूँ। क्या हुआ, आप हंस रही हैं? आपके बाल्टी में सुराग है, सारा पानी नीचे चौक गया है। अरे, अरे सुनो, अरे तुम, आपका नाम क्या है? चंचल नाम है इसका, सामने वाले घर में रहती है। चंचल, लल्लू तुझे इतनी जमाई क्यों आ रही है? लल्लू नींद बहुत आ रही है, चल जल्दी से लाइट ऑफ करें और सो जाएंगे। नहीं यार, पहले वीरू को तो आने दे। अरे वीरू कभी रात में टाइम पे आया जो अभी आएगा। चलो लाइट ऑफ करो ना, सो जाना यार। तू मुझे बार बार सोने के लिए क्यों कह रहा है? तू देखता नहीं मैं किताब पढ़ रहा हूँ? किताब सुबह पढ़ लेना यार। मैं किताब अभी पढ़ूंगा ना यार। अरे यार, तूने आज दूध पिया ही नहीं? नहीं नहीं, बाद में कहानी खत्म करके पीता हूँ। बहुत अच्छे मूड पे है कहानी। वो हीरो जो है ना, वो अपने दोस्त को सुलाने के लिए उसके दूध के ग्लास के अंदर नीम की गोली डाल देता है, ताकि दोस्त सो जाए और वो बाहर जाके अपनी हीरोइन के साथ गुल छर्रे उड़ा सके। तो फिर उसका दोस्त क्या करता है? दोस्त है ना, पी लेता है। देख, वो अपने दोस्त के लिए दूध पी लेता है, और तू मेरी नींद के लिए दूध नहीं पी रहा है? तेरी नींद के लिए कि अपनी नींद के लिए? क्या मतलब? मतलब ये कि दूध पीने से नींद आती है, और दोस्त के हाथ से दूध पीने में अलग सा नशा होता है। हाँ। ला। ए, तू मेरा कितना अच्छा दोस्त है, तू मेरा कितना ख्याल रखता है। ऐसे पैदल चल के जाता है, बोतल निकालता है, लाश में डालता है, फिर गोली मिलाता है, मेरे को सुलाता है। हम प्यार
डरने वाले हम प्यार। किससे प्यार करते हैं आप? उससे जिसने पहली ही मुलाकात में अपने नजरों की ऐसी हथकड़ी डाली कि हमारे दिल को मोहब्बत के हवालात में बंद कर दिया। अब जी चाहता है कि उसे शादी करके जल्दी से हनीमून पे चला जाऊं। कौन है वो? वो लड़की जिसका नाम ज़बान पर आते ही दिल की धड़कन थम जाती है, होंठों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो क्या आप कभी भी इसे इजहारे मोहब्बत नहीं करेंगे? इजहारे मोहब्बत करना चाहता हूँ लेकिन अच्छा तो मैं चलती हूँ। सुनो जी, इसे पढ़ लेना। ये क्या है? ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना कि तुम मेरे पड़ोसन हो, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मुझको यारो, ये तुम बोल रही हो? मैं नशे में हूँ। ये कौन है? हमारी लव स्टोरी का विलन है। मैं बाद में बताता हूँ, ये पकड़ो। और हद का जवाब जरूर देना, मैं नींद की गोलियां खा खा के थक गया हूँ। युवे मुझे गहरी निद्रा में सुलाकर खुद यहाँ कौन सा मंडप सजाने आया था? मंडप वो देख उधर क्या है? वो देख उस आदमी को क्या करे? पीछा करो। जाता है इधर ला, बैग मुझे दो। ये लीजिए, क्या इसमें भी सोना होई? हाँ, लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो आपने हम लोगों को जब से बताया था ना कि सोना वोना पकड़ने के बाद थोड़ा एक हिस्सा इनाम में मिलता है, तब से हम ऐसे बकरों की तलाश में रहते हैं। गुड, वेरी गुड। कल पुलिस स्टेशन आ जाना, इनाम मिल जाएगा। चलो बुरे काम का बुरा नतीजा। हाँ देखना जी, अभी तक हमारे आदमी ने जबान नहीं खोली, लेकिन अगर उन्होंने जुबान खोल दी तो जगत को यहाँ पहुँचने में देरी नहीं लगेगी। ये जगत हमारे लिए सरदर्द बनता जा रहा है क्या नहीं? तो जाओ माया को उठा ले आओ। लेकिन जीप बात तो जगत की हो रही थी। जानता हूँ, लेकिन शंकराचार्य ने कहा था कि जगत माया के जाल में फंसा हुआ है, इसलिए जहाँ माया है वहाँ जगत है, और जहाँ जगत है वहाँ माया है क्या नहीं है? समझ गया चीफ, जगत पर माया का जाल फेंकना है। कमान। यू आर ग्रेट चीफ। निशान पड़ गए हैं। अरे ये बाहे तो हमारे गले का हार बनेगी है क्या नहीं है? छोड़ दे मुझे कमीने, जल्दी हरामजादे छोड़।
ये गालियां फिर से दोहराओ, हाँ? तुम्हारे इन ओठों से तो ये गालियां भी मीठी लगती है क्या नहीं? पापी कमीने, देख लेना कुत्ते की मार मरोगे तुम लोग। जानता हूँ पापी इतने किए हैं कि इससे बढ़िया मौत की इच्छा भी नहीं कर सकता। जगत यहाँ आ गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तेरा जगत मुझे मारेगा, आ? इतना गुमान है तुझे अपने उस इंस्पेक्टर पर? ठीक है, उसे यहाँ बुलाकर उसकी भी बहादुरी देख लेते हैं। चल चल। चल अपने यार का नंबर डायल कर। कर। जानी है। थैंक यू। हेलो। हेलो कौन? शेट्टी। हमारी आवाज पहचान ली। हम जानते हैं कि तुम हमें बहुत चाहते हो। काम की बात करो। तुम पहले हमारे आदमी को हवालात से निकालकर हमारे यहाँ ले आओ और अपनी माया को अपने साथ ले जाओ। मुझे कहाँ आना होगा? हाँ, हाजी मलंग हिल के पीछे बंगले में आ जाओ। लेकिन जगत, प्रेम का एक दस्तूर है, प्रेमी हमेशा अकेले ही मिलते हैं। माया को मिलने आ रहे हो, अकेले ही आना, समझे क्या? ठीक है शेट्टी, मैं अकेले ही आऊंगा। अंदर की तरफ। हमको रोकने की कोशिश करते हो? बाहर जाओ। अजी हमको मत रोको, हमको मत रोको जी, हमको बड़े बड़े राजमहल के दरबारों ने कभी नहीं रोका, तुम हमको कैसे रोकोगे? देखो अपने साथ से जाके कहो हम आए हैं, जाओ जल्दी जाओ। अरे आपकी खोपड़ी रह गई, वापस आओ। हाँ। वापस आओ। हाँ। अपनी खोपड़ी लेके जाओ, चलो जाओ जल्दी। हाँ। वापस जाओ। तुम कौन हो, चाहते क्या हो? अजी हम सरकार कुछ नहीं चाहते, बस एक गिलोरी आप हमारे हाथ से खाइए और खाइए खाइए। हाँ। हमारे इस माशुका का कुछ लुत्फ उठाइए और इस तोहफे से अपना दिल बहलाइए। ये बीकानेरी बटेर जब मेरी सारंगी की सरगम पर थिरकती है तो इसके गुदास जिस्म की एक एक पोटी ऐसे मचलती है कि हाय। कि हाय हाय कि हाय 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 हाय। अपने नाजो अदा की झलक जरा हमें भी दिखा दे। छी, अपने नाजो अदा तुम पे वारूं, अपने मखमल जिस्म पर ताज का पाबंद लगाऊं। हाँ हाँ हाँ, कहाँ वो शाही सजावट और कहाँ ये कूड़ा करकट? तुम्हारी ये हिम्मत हमें कूड़ा करकट कहती है? और नहीं तो क्या, सब सैटरडे संडे मंडे और ट्यूसडे लगते हो? ए ए ए, हुस्न की मलिका जरा होश में आना, भूल जा अपनी पुरानी शान का जमाना। आज है इसी कूड़ा करकट का जमाना, अगर इनाम है पाना तो इन्हीं को अपना मगई पान खिलाना। ठीक है, तुम कहते हो तो लगाती हूँ मैं मटका, देती हूँ इन सबको मोटा छोटा लंबा झटका। शाबाश, अब छनका के अपनी पायल, कर दे इन सबका दिल घायल। जगत, अब तू यहां से भागकर कहीं नहीं जा सकता, तेरी जिंदगी का हर दरवाजा बंद हो चुका है, आज तू मेरी गिरफ्त में है। अरे तू मुझे क्या गिरफ्तार करेगा, आज तेरी मौत का दिन है और तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। रावण को भी यही घमंड था।
कल मुझे अदालत में पेश किया जाएगा। जगत और माया पुलिस में हैं, उनसे तो मैं बाद में हिसाब पूरा करूंगा, लेकिन कल अदालत में कोई गवाह पहुंचना नहीं चाहिए। ठीक है चीफ, उनका पता साफ कर दिया जाएगा। नहीं, ये काम तुम नहीं करोगे। वीरू, बजरंग और लल्लू ने मुझे हवालात में बंद करवाया है। मैं अपने हाथों से इन तीनों को इस दुनिया के हवालात से आजाद करवा दूंगा। ओके चीफ, वो लोग किसी भी हालत में अदालत नहीं पहुंचेंगे। जय जगदीश हरे, जय जय। हाँ, बहुत अच्छा होगा, इतनी जल्दी तैयार हो क्या आ गया। आज हम लोग को जाना है ना वीरू के लिए गवाही देने को। अरे लेकिन मुझे खास काम पे कहीं जाना है। हाँ, खास काम के लिए जाना है या किसी पारो से मिलने जाना है देवदास? अरे नहीं, बहुत जरूरी खास काम है। मैं यूं गया और यूं आया, यूं गया और यूं आ चुका। तू जब पड़ोसन जवा होकर मेहरबान हो जाती है तो लल्लू जैसे कदरदान भी मिल जाते।
ऐसा न्याय है योर ऑनर कि मुझ जैसे लॉयर को इन खाकी वर्दी वालों ने आज इस कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। जो लोग कानून का खुलेआम मजाक उड़ाते हैं उनका ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अदालत में खुलेआम गोलियां चलती हैं, हवालात में बंद आदमी जान से मार दिया जाता है, उन पर इनका कोई जोर नहीं चलता। इनका जोर चलता है हम जैसे शरीफ इंसानों पर जो इस देश के कानून को मानते हैं और उसके सामने सर झुकाते हैं। गरीब, बेसहारा और लाचार आदमियों की भलाई के लिए जो काम करते हैं, और उस भलाई का नतीजा यह है योर ऑनर कि आज हमें मामूली मुजरिमों की तरह यहां खड़ा कर दिया है। ये कहां का इंसाफ है योर ऑनर? मैं आपसे पूछता हूं ये कहां का इंसाफ है? हंसी आती है जब आप इंसाफ की बात करते हैं योर ऑनर। अफसोस तो इस बात का है कि जो इंसाफ इनके साथ होना चाहिए था वो हो नहीं पाया, क्योंकि इन्हें खतरनाक से खतरनाक जुर्म करके भी कानून की अंधी गलियों से बच निकलने के रास्ते मालूम है, और इस तरह ये लोग शराफत के नकाब ओढ़े समाज के लिए खतरा बने हुए हैं। बहुत खूब वकील साहब, बहुत खूब। आपको तो नेता होना चाहिए था, कितना बढ़िया भाषण दे लेते हैं आप। सच को झूठ और झूठ को सच भी कर सकते हैं। लेकिन वकील साहब, ये अदालत है, स्टेज नहीं। आप कैसे भूल गए कि अदालत में कानूनी जुबान चलती है? अगर मेरे खिलाफ कोई जुर्म साबित करना चाहते हो तो सबूत पेश कीजिए, गवाह लाइए। इस तरह बेकार की तकरीर करके अदालत का वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? आपकी बात माननी पड़ेगी मिस्टर शेट्टी। थैंक यू। गवाह भी पेश करता हूं योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन का पहला गवाह है ठाकुर राम सिंह उर्फ बजरंग। राम सिंह उर्फ बजरंग हाजिर हो, राम सिंह उर्फ बजरंग हाजिर हो। कितनी भी आवाज दो वकील साहब, गवाह नहीं आएगा। योर ऑनर, वो जरूर कोई सच्चा इंसान होगा, इनकी सिखाई गई झूठी गवाही वो कभी नहीं देगा, है क्या नहीं? योर ऑनर, मेरे खिलाफ कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो सवाल ये उठता है कि मुझे यहां क्यों लाया गया? इंस्पेक्टर जगत को मैंने हफ्ता देने से इनकार कर दिया, इसलिए उसने मुझे फंसाने के लिए अपनी प्रेमिका माया, हाँ हाँ माया को मेरे पास भेज दिया। लेकिन ये अनाड़ी है, मुझे ठीक तरह से फंसा भी नहीं सके। योर ऑनर, इंस्पेक्टर जगत को हिदायत दी जाए कि झूठे केस बनाकर कानून की तोहीन ना करें। दैट्स ऑल योर ऑनर। गवाहों की गैरहाजिरी की वजह से यह केस खारिज किया जाता है और अदालत मिस्टर धनीराम सेठी को बाइज्जत बरी करती है। थैंक यू योर ऑनर। तू मेरे भाई का कातिल है, तूने खून किया मेरे भाई का, खून किया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। माया, माया, टेक इट इजी माया। ये लो, आंसू पोंछ लो माया और गुस्सा थूक दो। वैसे बड़े दरख्तों के नीचे छोटे पौधे कभी नहीं पनपते, है क्या नहीं? है? गेट आउट माया। डोंट वरी माया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आई वॉन्ट लीव हिम। देखो जगत, कानून की अपनी सीमाएं होती है। कानून को तोड़ना और इज्जतदार लोगों की इज्जत से खेलना, यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सर, मैंने जो कुछ किया ठीक किया। अगर ठीक किया तो वो भरी अदालत में वो आदमी छूट कैसे गया? इसलिए कि जो सबूत मेरे पास थे उन्हें अदालत तक पहुंचने नहीं दिया गया। तो आइंदा वही काम करना जिसका सबूत तुम अदालत में ला सको। यस सर। ये वीरू दिन ब दिन हमारे लिए खतरनाक साबित होते जा रहा है, लेकिन मैं उसका ऐसा इलाज करूंगा
कि लोहे के सलाखों में पड़ी उसकी जिंदगी भी जंग खा जाएगी। लेकिन जी वो कैसे? तुम जगत को फोन करोगी और क्या कहोगी मालूम है? हेलो इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लीजिए। इंस्पेक्टर साहब वीरू, वीरू मेरे पीछे लगा है, वो मेरी इज्जत लूटना चाहता है। इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लीजिए प्लीज। कौन हो तुम, कहां से बोल रही हो? जूहू रोड में वीरू के घर के पास इस पब्लिक फोन से बात कर रही हूँ। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे बचा लीजिए, देखिए देखिए वो आ रहा है। हेलो हेलो हेलो। अब एक लड़की की इज्जत लूटने और जान लेने के जुर्म में वीरू को जरूर सजा होगी, है क्या नहीं? चीफ यू जीनियस, लेकिन वो लड़की कौन है? नहीं समझी? नहीं, उसने अभी अभी तो इंस्पेक्टर को अपनी जान बचाने के लिए फोन किया था। चीफ नहीं, 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 नहीं। जगत ये मेरा फर्ज है, अगर ये सच है तो एक बहन खुद अपने हाथों से अपने भाई को हथकड़ी पहनाएगी। चलो 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 चलो, कम ऑन, जल्दी 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 जल्दी। मुझे नहीं मालूम ये लड़की कौन है और ये लाश यहां कैसे आई। ये मेरे खिलाफ कुछ साजिश है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। मुझे अफसोस है वीरू भैया, मुझे तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाना ही पड़ेगा। मेरी बात पर यकीन करो, मैं असली कातिल को पकड़कर तुम्हारे सामने ले आऊंगा। मुझे एक मौका दे दो। मैं मजबूर हूं, ये मौका आप तुम्हें सिर्फ अदालत दे सकती है। एक बहन के लिए इससे बड़ी बदनसीबी की बात और क्या होगी कि वो राखी के दिन अपने भाई को हथकड़ी पहना रही है। कोई बात नहीं बहन, राखी नहीं तो हथकड़ी ही सही। आज कम से कम तेरे भाई की कलाई सुनी तो नहीं रही। लाश की फोटो ले लो और इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी। मुझे माफ करना भैया, चलो। बहुत अच्छे आदमी है, आप इन्हें पकड़ के क्यों ले जा रही हैं? इंस्पेक्टर साहब इसे छोड़ दीजिए, हमारा वीरू ऐसा नहीं है और इसने कभी किसी की बहू बेटी को बुरी नजर से नहीं देखा। आप लोग रास्ते से हट जाइए। नहीं ले जाने देंगे, हम वीरू भाई को नहीं ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे। इन्हें अपना फर्ज पूरा करने दीजिए, मैं बेकसूर हूं, इसका सबूत आप लोगों का विश्वास है। भगवान के लिए इन्हें अपना फर्ज पूरा करने दीजिए। दीदी दीदी, वीरू चाचा को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। पुलिस पकड़ कर ले गई? कहने के लिए इसे साथ लेकर आई हूं। मैं बताती हूँ, दरअसल इस आदमी ने अपनी आंखों से उन दोनों गुंडों को उस लड़की की लाश रखते हुए तुम्हारे घर पर देखा था। क्या ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इसलिए कि जिन लोगों ने आपके घर पे डेड बॉडी को रखा था वो शेट्टी के आदमी थे। और
इसी डर की वजह से उसने आज तक कुछ नहीं बताया, क्योंकि इसे डर था कि अगर इसने मुंह खोला तो सेठी के आदमी से जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज जब ये रोते रोते मेरे पास आया तो मैंने इससे कहा कि तू मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल, सेठी के आदमी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम बेफिक्र रहो गिल्डर, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी है। क्या तुम उन आदमियों को पहचान सकते हो? हाँ, मैं उन लोगों को पहचानता हूँ और इस वक्त वो कहाँ मिलेंगे ये भी जानता हूँ। विश्वास है कि तुम मुझे माफ कर दोगे भैया। कैसी बात करती माया, मुझे फख्र है इस बात का कि मेरी बहन ने अपना फर्ज निभाया। स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन। अरे अरे, जय बजरंगबली की वीरू भैया। अरे मुबारक हो वीरू भैया, आप जेल से छूटकर आ गए। हाँ, जेल से छूटकर तो आ गया हूँ, लेकिन कैद की घड़ियां भी खत्म नहीं हुई, और वो घड़ियां उस दिन पूरी होंगी जिस दिन मैं अपने हाथों से सेठी का गला दबाऊंगा। अरे आपके हाथ उसकी गर्दन पर तब पहुंचेंगे ना जब उसका कोई अता पता मिलेगा। हाँ, लेकिन बजरंगबली जी जो है ना वो पाताल तक की खबर रखते हैं, बस उनकी कृपा चाहिए। उनकी कृपा हो चुकी है और सेठी का पता चल चुका है। अरे जाने मन, जल्दी बताओ कहाँ है वो। सेठी हमेशा अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाता है, उसके साथ ही कुछ नाचने वालों का इंतजाम करने के लिए आए थे। मैं और चंचल वहाँ नाच निकले जा रही है। तो फिर ये जन्मदिन सेठी की जिंदगी का। अरे हो जा वीरू जी, मेकअप ठीक नहीं किया तुमने, पहचान लिया हमने तुम्हें। हाँ, जल्दी से इसको गोली मार दो छेट्टी साहब। हम लोग तो आए थे यहाँ नौकरी करने के लिए, लेकिन इसके चक्कर में पड़ के ना आपसे हम लोगों ने दुश्मनी मोल ले ली। ये तो कब वक्त मरना चाहता है, लेकिन हम लोग जिंदा रहना चाहते हैं। ये देखिए, ये आपका बैग है पूरा सोने के साथ, गोल्ड छबा। बॉम्ब है इस बैग में और रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। अगर बैग को नीचे रखने की कोशिश की तो बम फट जाएगा और तेरे बदसूरत जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। अब एक काम कीजिए, आप इसको जरा खोलिए वरना ये गोली चल जाएगी। कमान कमान, जल्दी खोल कालिया। रुक जा भाई। लल्लू हो जा शुरू। वीरू भाई आप भी अपने जूते निकालिए, जरा आज इनका जूतों से स्वागत करते हैं। Thank you.
चल। कहानी को मैं हमेशा के लिए खत्म कर देता हूं। अब तेरा क्या होगा कालिया? अपने कुत्तों से कह दो कि बंदूकें फेंक दें। अब तेरा क्या होगा लल्लू? जंग तेरे साथ शुरू हुई थी सेठी, आज तेरी मौत के साथ खत्म। नहीं, मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। अगर मैंने तुझे माफ कर दिया तो भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। तू ऐसा सांप है जो इंसानियत को डसने के लिए पैदा हुआ है। आज मैं तेरा सर कुचल दूंगा। नहीं भैया, मैं तुम्हें कानून को अपने हाथ में नहीं लेने दूंगी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता माया। तुम भूल रही हो, ये वही है जिसने तुमसे तुम्हारा भाई और मुझसे मेरा दोस्त छीना। नहीं भैया, मुझे भी अपने भाई की मौत याद है, लेकिन मैं नहीं भूल सकती कि मैं एक पुलिस अफसर हूँ और मैं अपनी आंखों के सामने कानून का अपमान होते नहीं देख सकती। छोड़ो,
कानून की इस कमजोरी का फायदा ये कब से उठा रहा है? ले वो ना। माफ करना बहन जी, वो थोड़ा सा क्या है कि प्रॉब्लम तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना। प्लीज है? लाओ। नहीं नहीं, हम पांचों की पंचायत ने किया है। यानी कि तुम पांचों ने मिलकर इसे मारा है? नहीं नहीं, हमने नहीं मारा इसे। आप बता दे। नहीं, मुझे तो शर्म आती है। अरे वो नहीं, इसने आत्महत्या की है। चलो नमस्ते।